Change is law of nature. If we will not change, we will be ruined. नमस्कार सस्ते करो सलाम दोस्तों, मैं प्रिंस छाबड़ा हाजिर हूँ लेकर अपना नया एपिसोड मोटिवेशन विद प्रिंस छाबड़ा। तो दोबारा हम वही करें जो हर एपिसोड में करते आ रहे हैं, राइट? अलचक मैं आ गया। सो जैसा कि हमने पहले कहा है, चेंज इज लॉ ऑफ नेचर, दैट मीन्स हमें टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना ही पड़ेगा। अगर हम चेंज नहीं होते तो हम खत्म हो जाएंगे या कहीं किसी न किसी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। बहुत एग्जांपल है इसके लिए। अगर हम एग्जांपल में बात करें, चाहे हम किसी भी फील्ड में बात करें, अगर हम चेंज नहीं होते तो हम खत्म हो जाएंगे। हम हर टॉपिक पे एग्जांपल लेंगे, तीन चार टॉपिक पे। सबसे पहले हम बिजनेस में देखते हैं। बिजनेस में हमने एक कोडेक कंपनी के बारे में सुना होगा, जो कि जब टाइम थोड़ा पुराना था, रील बनाती थी फोटो की, जिससे हम फोटो खींचते थे, नेगेटिव आते थे, रील बनाती थी, फिल्म बनाती थी, ठीक है? वो कंपनी 20वीं सदी में सबसे फेमस कंपनियों में से एक थी, वर्ल्ड की सबसे सक्सेसफुल कंपनियों में से एक थी। जैसे ही जमाना डिजिटलाइज हुआ, जैसे ही फोन आए, कैमरे अच्छे अच्छे आ गए और फोटो डिजिटलाइजेशन होकर निकलने लगी और फिल्म का जमाना खत्म होने लगा, बट उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया और बिलीव किया कि वही काम ऐसे ही चलता रहेगा। बट टाइम के अकॉर्डिंग कभी कभार बिजनेस कुछ ऐसे होते हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करने पड़ते हैं। अगर हम नहीं करते तो एग्जांपल कोडेक हमारे सामने है, इन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया और आई गेस 2013 में आके ये कंपनी खत्म होगी और ये एमर्ज होगी, किसी और कंपनी के ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है? ये एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है बिजनेस की। अगर हम चेंज नहीं होते, डेफिनेटली वी विल बी फिनिश्ड, रोइंड, ठीक है? इसी तरह हम बात करें, ये बिजनेस की एग्जाम्पल होगी, ठीक है? अगर हम स्पिरिचुअली एक बात करें तो हम जिस समाज में रहते हैं वहां पे एक छोटी सी सोच है, नैरो सोच है कि हमने अगर किसी को गुरु अपना लिया है तो अगर हम किसी और गुरु को अपनाएंगे या किसी और गुरु के पास जाएंगे तो ये पाप होगा। ये हमारे सोसाइटी में कुछ लोगों की सोच है। अगर हमने एक बार किसी का नामदान ले लिया, दूसरी बार लेने जाएंगे तो हमने उस गुरु को छोड़ दिया और ये हमारे ऊपर पाप चढ़ गया। पता नहीं किसी ने देखा है पाप क्या है पुण्य का, बट सोचते हैं। और ऐसे ही जो मतलब अडंबर है, खराब रीति रिवाज है, हमारे टाइम टू टाइम हमारे संतों ने ही लात मारी है, उन्हें रिजेक्ट किया है। इसी धारणा के लिए हमारे स्वामी विवेकानंद, जिनका बाय बर्थ नेम था नरेंद्र जी और विवेकानंद के नाम से फेमस हुए, उन्होंने 30 से ऊपर गुरु धारण किए। फिर जाकर उन्हें जब बिलीव हुआ कि मुझे इनसे कुछ मिल पाएगा, फिर जाके उन्होंने गुरु धारण किया जिनसे उनको पता लगा कि ये मुझे परमात्मा दिखा सकते या दिखाया। लेकिन हम जिसके साथ एक बार जुड़ जाए, अगर वो दिखाए या ना दिखाए, हम उनका रट्टा लगाए रहते हैं। हमारा जो एम है, भगवान को मिलना, भगवान को पाना, भगवान की शरण में जाना। सो फ्रेंड्स, अभी हम एक ब्रेक लेते हैं और इस एग्जांपल को थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक। थैंक यू। खुशखबरी। हाँ जी, खुशखबरी। सर कौन सी खुशखबरी, मुझे बताओ। हाँ जी, हम लेकर आए हैं खुशखबरी। अगर आप हमारा YouTube का शो देख रहे हो, दो सीरीज चल रही है, मोटिवेशन एंड कारवा ऑफ काव्या, हमारे YouTube चैनल सी टू ड्रीम्स पे। अगर आप ये शो पूरा देखते हो, हम दोनों शो में एक एक क्वेश्चन पूछेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन पूछते का सवाल जवाब देते हो तो आपको मिलेगी सरप्राइज गिफ्ट फ्रॉम सी टू ड्रीम्स। बस इस तरह आप हमारा ये शो देखते रहिए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक तो आपको सरप्राइज गिफ्ट, उसके अलावा और भी बहुत मौके हैं जो आपको टाइम टू टाइम पे बताते जाएंगे हम, ठीक है? सो है ना ये खुशखबरी। बिल्कुल सर, ये तो मैं अपने शेयर अपने दोस्तों को भी बताऊंगा, शेयर करूंगा, धमकी शेयर करूंगा। बिल्कुल, तारियां सर। और फ्रेंड्स, अभी आप भी अगर चाहते हो आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स ये जीतना चाहते हैं सरप्राइज गिफ्ट, तो आप भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए सो दैट कि वो भी जीत पाए। और मेरे को शायद दोबारा नहीं कहने की जरूरत पड़ेगी, जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है
उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कर दो यार, अभी तो हम जिस भी बारने शुरू कर दिए। थैंक यू, वेलकम बैक फ्रेंड्स। और सबसे पहली बात, जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनका धन्यवाद, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया कर दो यार, अभी तो बहुत लंबा टाइम होता जा रहा है। और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, सो दैट कि हमारी वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अभी हम बात कर रहे थे गुरु को अपनाने की। हम सब हमारे इंडिया के वर्ल्ड वाइड में सब लोगों को पता है, करोड़ों हजारों अरबों को पता है कि भगवान को पाने के लिए हमें गुरु को धारण करना ही पड़ेगा। अगर हम गुरु को धारण नहीं करते तो हम भगवान भी नहीं पा सकते, ठीक है। उनमें से कुछ लोगों की यही धारणा है कि हम जिस गुरु को धार लिया हमने उसी के थ्रू ही सारा कुछ पाना है, ठीक है। अभी हम एग्जांपल ले रहे थे नरेंद्र की, स्वामी विवेकानंद जी की। अगर वो इसी धारणा पे चलते तो शायद कभी भगवान को पा ही ना पाते। एक गुरु का जो सर्वोत्तम कार्य है वो है उन्हें भगवान के दर्शन कराना। अगर भगवान के दर्शन नहीं करा पाते तो समझ लो कि वो पूर्ण सदगुरु नहीं है, वो पूर्ण गुरु नहीं है अगर नहीं कर पाते हैं। अगर आपके वो अंदर जिज्ञासा वाले क्वेश्चन है उसका वो सही रिप्लाई नहीं दे पा रहे तो समझ लो कि वो पूर्ण सदगुरु नहीं है। ऐसा ही कुछ स्वामी विवेकानंद जी ने किया। सबसे पहले वो गए ब्रह्मो समाज में, वहां पे उन्होंने अपने क्वेश्चन पूछे, जो उनको रिप्लाई आया वो सेटिस्फेक्शन ही नहीं था। उन्होंने शायद ये भी पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है, कितने टाइम में भगवान को पा पाऊंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आंसर सही नहीं मिला। फिर उन्होंने उस टाइम के जितने भी फेमस गुरु थे या लीडर थे सबके पास गए, सबके साथ उन्होंने आर्ग्यूमेंट की, पर उनको एक प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिला जिसके कारण वो सेटिस्फाई नहीं हो पाए। इन द एंड उन्हें परमहंस रामकृष्ण मिले, और फिर जाके उन्होंने पता चला और उन्होंने उनके साथ वाक्या किया, और वाक्या से ये रिप्लाई आया कि हम भगवान को देख भी सकते हैं, पा भी सकते हैं। और उन्होंने तरीका बताया कि कैसे हम देख सकते हैं, कैसे हम पा सकते हैं। और उनके उस तरीके से, उनके उस रिप्लाई से स्वामी विवेकानंद जी एक सेटिस्फाई हुए, उनको अपना गुरु धारा और भगवान के दर्शन किए। और उन्हीं के विचारों के अकॉर्डिंग स्वामी विवेकानंद जी शायद हमारे समाज के पहले संत थे जिन्होंने शिकागो में, अमेरिका में के सिटी शिकागो में हिंदी में हमारे धर्म के बारे में कहा, हमारे हिंदुइज्म के बारे में कहा, जो कि सबसे पुराना धर्म था। और इस वीडियो के कारण स्वामी विवेकानंद जी वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए। इस तरह स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण जी के थ्रू भगवान को पाया। ये हमारी स्पिरिचुअल एग्जांपल हो गई। इसके बाद हम एक रेवोल्यूशनरी एग्जांपल देखते हैं, हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह जी की। वे एक सिख परिवार से संबंधित थे, नाता रखते थे सिख परिवार में। बिकॉज मैं भी पंजाबी हूँ, हम पंजाब में रहते हैं तो पता है कि वो कहते हैं कि केस कभी कटाने नहीं है, दाढ़ा कभी कटाना नहीं है, और जो पांच कंकार दिए हुए हैं उनको हर वक्त धारण किए रखना, जो जो सच्चे सिख हैं। पर अकॉर्डिंग टू टाइम, जब आजादी का टाइम था, भगत सिंह जी ने अपने बाल भी कटाए, दाढ़ी भी कटाई। ये उनका देश के प्रति प्यार था। अगर वो ऐसा ना करते शायद हमारी आजादी कुछ साल और लेट हो जाती। सो समय के अकॉर्डिंग हमें चेंज तो लाना ही पड़ेगा, अगर नहीं लगाते तो लेट होते रहते या खत्म हो जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग अपना बिजनेस इसलिए करते रहते हैं कि हमारे दादा ने ये किया था, हमारे परदादा ने ये किया था, हमारे पापा ने भी ये किया, हम भी यही करेंगे। एक बिजनेस की वैल्यू तब बहुत अच्छी थी जब परदादा दादा करते थे, लेकिन आज वैल्यू कम हो गई है, तो हमें चेंज कर देना चाहिए, उसी पर नहीं चलना चाहिए, लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टाइम वी शुड चेंज, बिकॉज चेंज इज लॉ ऑफ नेचर। एक किसी शायर या किसी महान बंदे ने यह कहा कि
कभी किसी का उपहास ना उड़ाओ, कभी किसी का मजाक ना उड़ाओ, पता नहीं कब टाइम चेंज हो जाएगा, बिकॉज एक टाइम के बाद कोयला भी हीरे में बदल जाता है, कोयला भी हीरा बन जाता है, चाहे कोई भी बंदा है उसके अंदर भी कोई ना कोई गुण होता है जो अपने आप प्रूव करवाता है। अगर हम एक और लाइव एग्जांपल देखें, हम सब ने इसी जो देखी होगी, वो कभी सीधी नहीं होती, ऐसे 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 ऐसे, मतलब उतराव उतराव से पूरा रहता है। ईसीजी में अगर हम सीधे आ गए ना तो समझ लो डेड है बंदा। ऐसे ही लाइफ है, उतराव चढ़ाव आएगा ही आएगा, चेंज तो होना ही रहेगा, हमें चेंज तो करना ही पड़ेगा अपने आप को। सो आई होप आपको हमारी ये एग्जाम्पल्स और ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और हम दोबारा आपको कहते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है धन्यवाद, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया कर दो, बहुत बहुत जरूर। सो फ्रेंड्स, अभी ये टाइम है हमारे खुशखबरी वाले कॉन्टेस्ट का, और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था उसका हम जो विनर अनाउंस करेंगे वो हमारे नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। और अभी का हमारा जो कॉन्टेस्ट है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? मैं दोबारा आप रिपीट करता हूँ ये क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? आप इसका रिप्लाई कीजिए, इसके साथ साथ हमारा जो दूसरा जो चल रहा है उसके क्वेश्चन का रिप्लाई कीजिए, दोनों का रिप्लाई कीजिए, दोनों का अगर जवाब सही होता है तो आपको मिलेगा हमारी ओर से सरप्राइज गिफ्ट। और इसके साथ साथ हम एक और न्यूज़ देना चाहते हैं, नेक्स्ट मंथ से हमारा ये जो मोटिवेशन वाला शो है ये 1 तारीख से अपलोड हुआ करेगा, हर महीने की 1 तारीख से, बिकॉज हम 2 शो और ऐड कर रहे हैं। और मेन बात जो है वो हम आपको दोबारा कहते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनका धन्यवाद, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो यार, अभी तो 2 नए शो शुरू हो रहे हैं। थैंक्स।